हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का प्लॉट साइज देखेंगे दोस्तों, 15 बाय 30 फीट का हमारा टाइनी हाउस प्लान है। फ्रंट साइड रोड है, बाकी इधर तीनों साइड इधर प्रॉपर्टीज हैं। रिक्वायरमेंट्स देख लें तो प्लॉट साइज रहेगा 15 बाय 30 फीट का। प्लॉट एरिया रहेगा 50 गज 450 स्क्वायर फीट। 1 BHK हाउस प्लान है विद एलिवेशन डिजाइन, रेंटल ऑप्शन के लिए बनाया गया है। ग्राउंड फ्लोर भी देखेंगे, 1 रूम सेट रहेगा रेंटल इनकम के लिए। फर्स्ट फ्लोर भी देखेंगे, 1 BHK रहेगा, 1 रूम हॉल एंड 1 बेडरूम, 1 किचन, 1 हॉल। टेरेस फ्लोर भी देखेंगे मम्टी। सो 3D प्लानिंग के साथ हमने आपको प्लानिंग जो है समझाई है विद इंटीरियर डिजाइन। बेसिक इंटीरियर डिजाइन रहेगा, चीप एंड बेस्ट इंटीरियर डिजाइन। 15 बाय 30 फीट का नक्शा रहेगा रेंटल इनकम के लिए। इंडिविजुअल फ्लोर सिस्टम है, हमने आपको ग्राउंड स्ट्रीट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर प्लस आपका जो फर्स्ट फ्लोर है वो दिखाया है। आप टिपिकली इस फ्लोर प्लान को ऊपर कॉपी कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटेड इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखेंगे 2 फ्लोर्स विद ममटी की तो लगभग 8 लाख के आसपास आएगी। तो काफ़ी अच्छा प्लानिंग होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, सो दैट हमारी कोई भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके एंड आपसे वो वीडियो जो है मिस ना हो। आइए प्लानिंग की तरफ चलेंगे। सो गाइज, ये देखिए हमारा आज का प्लॉट 15 बाय 30 फीट का। ये है हमारी एलिवेशन, फ्रंट साइड एलिवेशन है। फ्रंट साइड ओनली ओनली ओपनिंग है, बाकी अदर तीनों साइड आप देखेंगे अदर प्रॉपर्टीज रहेंगी। सो इसके लिए हम वहाँ पर कोई भी डोर विंडो ओपनिंग वगैरह कुछ नहीं छोड़ सकते हैं। सो इस वजह से खाली फ्रंट साइड में ही आप यहाँ पर ओपनिंग दे पाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्लॉट की डायमेंशंस। ये रहेगी 30 फीट का हमारी विड्थ रहेगी, प्लॉट लेंथ रहेगी प्लॉट की। प्लॉट की विड्थ देखेंगे सो 15 बाय 30 फीट का हमारा प्लॉट रहेगा। ये एलिवेशन रहेगा, फ्रंट साइड से ये मेन गेट रहेगा एंड आगे की प्लानिंग हम देखेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे हमारे ग्राउंड फ्लोर के अंदर। सो ये आपकी एंट्रेंस रहेगी, इतना एरिया आप चाहे तो यहाँ पर फोर व्हीलर वगैरह पार्क करने के लिए कर सकते हैं, चाहे तो इसको डिविजन करते हुए कुछ एरिया आप एज एन लॉबी यूज कर सकते हैं एंड फ्रंट साइड का एरिया जो है ये आप एज एन अपने पार्किंग के लिए यूज करेंगे। स्टेयरकेस देखेंगे, सो इस तरीके से आप क्लॉकवाइज अपनी स्टेयरकेस जो है वो रन करेंगे फॉर द फर्स्ट फ्लोर। स्टेयरकेस के नीचे का जो एरिया खाली है आप यहाँ पर अपना वाटर टैंक वगैरह रख सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक वगैरह बनवा सकते हैं या फिर टू व्हीलर वगैरह पार्क कर सकते हैं। कवर करके इसको एज एन स्टोर भी आप इसको यूज में ला सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारी स्पेस हमारे पास कितना आ रहा है पार्किंग स्पेस के लिए। लगभग 10 फिट का ये स्पेस है, 9 फिट 10 इंच बाय 18.5 फिट। सो पार्किंग 9 फिट 10 इंच बाय 18.5 फिट हमारा पार्किंग। ये इतना हमारा स्पेस जो है ओपनिंग के लिए है, तो हम इतने जैसे आपका टॉयलेट का एरिया, टॉयलेट की वॉल आ रही है, इस टॉयलेट की वॉल को सीधा फ्रंट साइड में आप इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे। यहाँ पर आप अपने ब्लाइंड्स वगैरह लगा के इसको एज एन लॉबी स्पेस यूज कर सकता है, जो आपका ग्राउंड फ्लोर पे 1 रूम सेट रहेगा वो एरिया। इस तरीके से आप स्टेयरकेस को ऊपर रन करेंगे। स्टेयरकेस की विड्थ देखेंगे, 3 फिट आपकी स्टेयरकेस की विड्थ रहेगी। ट्रेड देखेंगे, 10 इंच का ट्रेड रहेगा आपका एंड जो राइजर रहेगा आपका सीढ़ी का राइजर रहेगा वो लगभग 6 इंच से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा आपके पास। 10 फिट हमने फ्लोर टू फ्लोर आपकी हाइट रखी है। तो यहाँ से आप एंट्री करेंगे अपने बेडरूम के अंदर। फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे देखेंगे हमने 1 बेडरूम दिया है, साथ में आपको अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया है। सो इस तरीके से आप इसका लेआउट करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे बेडरूम का साइज, कि हमें इसका साइज कितना मिल रहा है। 14 फिट 3 इंच, 4.5 4.5 इंच की दीवार है दोनों तरफ, 9 इंच के हम कॉलम देंगे। उसके बाद हमारे पास स्पेस बचता है 14 फिट का। सो 14 बाय लगभग 10 फिट का आपका ये स्पेस मिलेगा आपको, 9 फिट 10 इंच का। सो 14 बाय 10 का आपका हम बेडरूम बोलेंगे, बेडरूम 14 फिट बाय 10 फिट। ये बेडरूम का साइज रहेगा। लेआउट की बात करें तो इस तरीके से आप डबल बेड लगाएंगे। इस वॉल पे आप अपनी कैबिनेट दे सकते हैं, कैबिनेट का साइज देखेंगे आप। सो लगभग आप यहाँ पर 6.5 7 फिट की कैबिनेट जो है वो दे सकते हैं। 6.5 फिट की हमने कैबिनेट रखी है। ये जो स्पेस बचता है आप यहाँ पर 1 फिट का अपना ड्रेसर वगैरह दे सकते हैं। इसके साथ आप सामने ही आप देखेंगे यहाँ पर हमने आपकी टीवी पैनल लगाया है दरवाजे के साथ। उसके बाद टीवी पैनल के लिए हमने 3 फिट जगह छोड़ते हुए उसके बाद जितना स्पेस बचता है उसके लिए हमने यहाँ पर आपको विंडो प्रोवाइड की है, 2 फिट 3 इंच वाइड ये विंडो रहेगी आपकी। लिंटल इसका हमने सब जगह सेम रखा है, 8 फिट का आपका लिंटल रहेगा। सिल लेवल एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको रख सकते हैं 2 फुट 2.5 फुट के आसपास। सो
सो यहाँ से डाइपिट का दरवाजा आपको दिख रहा है, इस तरीके से ओपनेबल होगा जो आप एंट्री करेंगे अपने टॉयलेट के अंदर। ये आपका टॉयलेट रहेगा दोस्तों, टॉयलेट का साइज देखेंगे 7 फिट बाय 4 फिट, तो ये है आपका टॉयलेट 7 फिट बाय 4 फिट। सो गाइस ये आपका टॉयलेट रहेगा। टॉयलेट के लेआउट की बात करें तो यहाँ वॉशेशन लगाएंगे, यहाँ डब्ल्यूसी लगाएंगे, इस वॉल पे आप अपने बेसिक टैप्स वगैरह लगाएंगे। इस तरीके से आप इसका लेआउट करेंगे। वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ फ्रंट साइड में जो पार्किंग एरिया लॉबी एरिया रहेगा, यहाँ आप अपना वेंटिलेटर ओपनेबल ओपन कर सकते हैं। तो ये स्टेयरकेस यूज करेंगे एंड फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलेंगे। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर आ गया है दोस्तों अभी। तो ये स्टेयरकेस है दोस्तों, पहले आप देखेंगे स्टेयरकेस, ये ग्राउंड फ्लोर से आपकी स्टेयरकेस जो आ रही है ये आपकी लैंडिंग आ जाती है। यहाँ से आप फर्स्ट फ्लोर के लिए, टेरेस फ्लोर के लिए यहाँ से आप चल देंगे इस तरीके से। तो ये आपका मेन गेट रहेगा, मेन डोर रहेगा आपके घर का, 3 फिट वाइड ये दरवाजा है आपके घर का। एंट्री करेंगे आप अपने ड्राइंग रूम, लॉबी, डाइनिंग एरिया के अंदर। कम्प्लीटली एक आपके पास एक पैसेज है जिसके अंदर हमने आपको अकोमोडेट करके दिया है आपका ड्रॉइंग स्पेस, साथ में मंदिर रहेगा एंड साथ में छोटा सा आपका वॉल इनक्लाइंड डाइनिंग एरिया रखा है हमने एज पर जगह के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। 3 फीट आप देखेंगे हमने ऑन रोड प्रोजेक्शन की है जो हमने कम्प्लीटली इंक्लूड कर लिया है आपके लिविंग स्पेस के अंदर। साथ ही यहाँ पर आपको एक गेट प्रोवाइड किया गया है, मेन डोर प्रोवाइड किया गया है जिससे आप एक्सेस कर सकते हैं आपकी बैल्कनी के अंदर। 3 फीट वाइड बैल्कनी रहेगी आपकी स्टेयरकेस लॉबी के जस्ट सामने। वेंटिलेशन के लिए फ्रंट साइड में आप बड़ी सी यहाँ पर विंडो दे सकते हैं जिसके अंदर आप 1.5 फीट का एक पल्ला रखेंगे जो कि ओपनेबल रहेगा। बाकी इस सबको आप फिक्स ग्लास के तौर पे, टफन ग्लास वगैरह लगवाकर आप इसको फिक्स ग्लास के तौर पे यूज करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसका साइज दोस्तों, यह है आपके पास लगभग 22 फिट का स्पेस मिलेगा आपको, 21 फिट 10 इंच बाय 8 फिट का स्पेस है। 21 बाय 8 फिट का स्पेस मिलेगा आपको लिविंग स्पेस के लिए, हम इसको लिविंग स्पेस बोल रहे हैं। 21 फिट बाय 8। इसके अंदर आप देखिए दोस्तों आपका जो ड्राइंग स्पेस होगा, ड्राइंग रूम एरिया होगा वो कितना है आपके पास लमसम एरिया, वो 11.5 फिट का है आपके पास। उसके बाद आपके पास ये लॉबी एरिया बचता है जिसके अंदर हमने आपको 1.5 फिट की स्लैब निकालते हुए सामने आपको 3 चेयर्स लगाकर दिखाई हैं। ये आप एज ए डाइनिंग स्पेस इसको यूज करें किचन के सामने। सो इस स्पेस को आप देखेंगे कि लगभग आपके पास 10 फिट का स्पेस होगा जिसके अंदर इस वॉल के अंदर हमने आपको वॉल हैंगिंग एक कैबिनेट से लगाकर ऊपर आपका मंदिर बना दिया है। यहाँ पर नीचे आप अपनी सेटिंग करके अपनी पूजा वगैरह कर सकते हैं, तो इस स्पेस को आप एज ए मंदिर भी इस्तेमाल करेंगे। सो 15 बाय 30 फिट के अंदर आपको हमने मंदिर भी दिया है, साथ में डाइनिंग स्पेस दिया है एंड आपका ड्राइंग रूम सेपरेटली रहेगा। उसके अलावा आप देखेंगे आपको किचन मिली है, वो भी वेंटिलेटेड रहेगी थ्रू स्टेयरकेस लॉबी। सो आइए पहले किचन की तरफ चलेंगे, किचन का साइज देखेंगे दोस्तों। सो 7 फिट बाय 6 फिट। ये जनरल आपके किचन का साइज रहेगा जो इसके अंदर आपको मिल रहा है। इसके अंदर आपको 2 स्लैब मिल रही हैं वर्किंग एरिया, ये देखिए ये आपकी 6 फिट की स्लैब मिल रही है यहाँ पर आपको एंड इधर आपको लगभग 4 फिट की स्लैब मिल रही है। सो एक वॉल पे आप यहाँ पर अपना सिंक रखें एंड साथ में आरओ वगैरह लगा सकते हैं। इस वॉल पे आप अपना एक साइड में गैस स्टोव रखेंगे एंड ये स्पेस आपका वर्किंग एरिया रहेगा। इस तरीके से आप इस किचन को यूटिलाइज करेंगे एंड ये जो स्पेस बचता है यहाँ आप अपना रेफ्रिजरेटर वगैरह प्लेस कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब चलेंगे हम हमारे बेडरूम की तरफ। इस तरीके से दरवाजा खुलेगा दीवार की तरफ, 3 फिट का दरवाजा रहेगा। यहाँ से आप एंट्री करेंगे अपने बेडरूम के अंदर। इस बेडरूम का साइज देखेंगे दोस्तों आपको क्या मिल रहा है, 10 फिट 10 फिट बाय 10 फिट का आपका क्लियर बेडरूम रहेगा ये दोस्तों। बेडरूम 10 फिट बाय 10 फिट बेडरूम का साइज रहेगा। इस तरीके से हम बेडिंग करेंगे। सामने की वॉल पे आप देखेंगे यहाँ पर आप 3 फिट की अलमीरा प्लेस करेंगे, साथ ही 3 फिट का स्पेस लगभग आपके पास रहेगा जहाँ आप टीवी पैनल लगाकर नीचे कैबिनेट वगैरह लगा सकते हैं। बेड के साथ में आप देखेंगे 10 फिट का स्पेस है, 6 फिट का बेड रहेगा आपका। सो 1.5 फिट के आप दोनों तरफ साइड जो आपकी बेड साइड
बेड के साथ में जो आपके स्टूल रहते हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अटैच टॉयलेट मिल रहा है आपको दोस्तों, 2.5 फिट का दरवाजा रहता है आपके टॉयलेट का। इस तरीके से आप ओपनिंग करेंगे इसकी, एंड उसके बाद जो इस टॉयलेट का लेआउट रहेगा वो इस तरीके से रहेगा कि यहाँ हमने आपकी इस वॉल से 2 फिट आगे आपका दरवाजा जो है वो स्टार्ट किया है, सो दैट ये 2 फिट का जो स्पेस रहेगा यहाँ हम आपका काउंटर लगाएंगे, वॉश बेसिन काउंटर। सो 2 फिट का सेपरेटली 4 फिट का लेंथ वाइज आपके जो है यहाँ पर वॉश बेसिन मिलेगा। 3 फिट 10 इंच वाइड है आपका ये टॉयलेट, सो लगभग 10 बाय 4 फिट का आपका टॉयलेट का साइज रहेगा। टॉयलेट 10 फिट बाय बाकी इसके आगे आप देखेंगे लेआउट, यहाँ वॉश बेसिन हो गया आपका, फिर आप यहाँ पर अपने WC प्लेस करेंगे जिसके लिए आपको मिनिमम 3 फिट का स्पेस रिक्वायर्ड रहेगा, एंड 3 फिट का स्पेस आप देंगे यहाँ पर फॉर द बेथिंग पर्पसेस। इस वॉल पे आप अपनी WC लगाएं, साथ ही साथ इस वॉल पे आप अपना शावर वगैरह लगाएंगे, इस एरिया में आप अपना वॉश बेसिन रखेंगे 2 फिट के अंदर। सो 2 बाय 4 फिट का आपके पास यहाँ पे स्लैब रहेगा, वॉश बेसिन काउंटर रहेगा। सो गाइज ये हमारा टिपिकल फ्लोर प्लान है जिसके अंदर आपने एंट्रेंस में देखा ड्राइंग रूम सेपरेट रहेगा, फिर आपके पास लॉबी स्पेस रहता है क्यूमुलेटिव, आप ये जो लेंथ देखेंगे 21 फिट की है। फिर आपके पास स्पेस बचता है किचन एरिया जिसके अंदर आपको वर्किंग काउंटर, साथ में वॉश मशीन काउंटर, सिंक एरिया रहेगा, गैस स्टोव रहेगा, रेफ्रिजरेटर का स्पेस सेपरेटली दिया गया है, एक अटैच बाथरूम मिल रहा है, एक अटैच आपको बेडरूम मिल रहा है, साथ में अटैच टॉयलेट रहेगा आपके पास। सो 15 बाय 30 फिट के अंदर आपको काफ़ी स्पेसेस देखने को मिल रहे हैं इस प्लान के अंदर। इसके बाद हम देखेंगे आपका जो है ये जो टॉयलेट रहेगा इसके आप वेंटिलेशन कैसे करेंगे। सो 8 फिट का लिंटल लेवल है, उसके बाद आप यहाँ पर एक शाफ्ट निकालेंगे जो कि टेरेस फ्लोर पे आप उसको एज इन MS का जाल वगैरह लगा के कवर कर सकते हैं, उसके थ्रू आप इसको वेंटिलेट करेंगे। ये आपका टेरेस फ्लोर है, ममटी रहेगी आपकी, इस तरीके से आपकी जो स्टेयरकेस है वो टिपिकल फ्लोर से ऊपर की तरफ आएगी, एंड यहाँ पर आपने दरवाजा दिया है, फ्रंट साइड में हमने आपको विंडो प्रोवाइड की है लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए इस लॉबी की, स्टेयरकेस लॉबी की। बाकी जो स्पेस है आपका एज एन ओपन टेरेस आप इसको यूज करेंगे। ये आपकी ममटी की टेरेस आ गई है, ममटी की छत रहेगी, सो यहाँ पर आप अपना वाटर टैंक्स वगैरह लगाएं उसके साथ ही। सो गाइज ये आपका एलिवेशन रहेगा, बैल्कनी देखेंगे सबसे पहले हम, फर्स्ट फ्लोर की तरफ देखेंगे, आपकी फ्रंट साइड में ओपनिंग विंडो है, ये आपका दरवाजा रहेगा बैल्कनी के एक्सेस के लिए, ये आपकी विंडो रहेगी स्टेयरकेस लॉबी की वेंटिलेशन के लिए। ये आपका मेन गेट है, मेन गेट की डायमेंशन देखें आपके पास कितनी मिल रही है, सो लगभग आपके पास 7.5 फिट का ये मेन गेट रहेगा। इस वॉल को आप अपना नंबर प्लेट वगैरह जो आपका हाउस नंबर वैसे है आप उसके लिए इसको यूज कर सकते हैं। बाकी सिंपल है, आप फ्रंट साइड में देखेंगे यहाँ पर आप अपना कोई टाइल क्लैडिंग वगैरह करवा सकते हैं, स्टोन क्लैडिंग करवा सकते हैं टाइल्स वगैरह से, ग्रूविंग दस्तर में ग्रूविंग वगैरह करवा कर वो भी आप सिंपल चीप एंड बेस्ट तरीके से अपने घर को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। सो गाइस ये हमारा आज का प्लान था 15 बाय 30 फिट के अंदर, जिसके अंदर हमने आपको रेंटल इनकम के लिए ग्राउंड फ्लोर पे एक 1 रूम सेट दिया है अटैच टॉयलेट के साथ, फर्स्ट फ्लोर पे देखेंगे 1 BHK दिया है विद बैल्कनी। इसी तरीके से आप इसको टिपिकली कवर कॉपी कर सकते हैं ऊपर, एंड जितना चाहें 4 फ्लोर 5 फ्लोर तक आप इस प्लानिंग को यूज़ करते हुए बनवाएं अपना। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं प्लान कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, सो दैट हमारी कोई भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, गुड बाय दोस्तों।